जब मैं जॉब्स कर रहा था बट आईटी फील्ड में जॉब्स मिल नहीं रही थी, तो नवंबर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, क्योंकि मोस्टली सब बॉन्ड साइन करवा रहे थे विद लो सैलरी, कोई डर तो बिल्कुल नहीं था मुझे। एक्चुअली न्यू पेपर पैटर्न की वजह से थोड़ा नर्वस था, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो उस हिसाब से डिसीजंस लो, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है कोई भी एंट्रेंस निकालने के लिए। चलिए निमसेट के एक और टॉपर से मिलते हैं, योगेश से, जिनकी रैंक है ऑल इंडिया 219, जो कि मुंबई से है। यस सर। और योगेश, सबसे पहले तो 21 रैंक के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर। तो योगेश, आपका जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, कब आपने निमसेट के लिए सोचा, फिर किस ढंग से प्रिपरेशन की? आपने बताया भी था मुझे जूम इंटरव्यू में, पर आज आप फिजिकली अवार्ड सेरेमनी में आए अपने फादर के साथ, तो मैं चाहूंगा कि आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जो आप बताना चाहोगे। एक्चुअली जर्नी की स्टार्ट हुई नवंबर में मेरी, जब मैं जॉब्स कर रहा था बट आईटी फील्ड में जॉब्स मिल नहीं रही थी, तो देन डिसाइड किया कि एमसीए करना चाहिए। तो फिर उसके सर्च में मुझे पता चला कि एनआईटी एमसीए कंडक्ट कराता है, तो मैंने सोचा उसे एक ट्राई देना चाहिए। तो नवंबर से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। फिर एक्चुअली मैं बीएससी मैथमेटिक्स से था, और उसके पहले मैं इम्पीटस से जुड़ा हुआ था 2017 से एनडीए और जेडब्ल्यू के लिए, तो मेरा मैथ्स कॉन्ट और इंग्लिश पहले से बहुत स्ट्रांग था। तो निमसेट की जर्नी में मैंने बस कंप्यूटर बहुत अच्छे से किया, वो फ्रॉम जीरो टू स्टार्ट किया मैंने, नॉन आईटी बैकग्राउंड था। लास्ट में टेस्ट सीरीज एंड मैजिकल कोर्स की वजह से 70 स्कोर तक पहुंचने लगा मैं, तो लाइक इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा निमसेट से, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड अलग था। दैट्स इट। तो योगेश, आपने बिल्कुल सही बताया, एक तो आप सबसे पहले 2017 से ही जुड़े हुए एमपीटीएस के साथ एनडीए आईटी के लिए, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं तो कॉन्सेप्ट बने हुए थे, उसको रिफ्रेश करना था। तो आपने कितने साल जॉब भी किया आपने कुछ साल? एक्चुअली कुछ साल नहीं सर, कुछ मंथ्स ही, ग्रेजुएशन के बाद मंथ्स में मैंने ट्राई किया, बट लाइक आईटी इंडस्ट्री में मिल नहीं रहे थे जॉब्स नॉन आईटी डिग्री की वजह से। और एक अच्छी बात है कि नहीं मिला जॉब, अच्छा हुआ, क्योंकि अगर आप इस समय जॉब करते तो आपको लॉन्ग टर्म उसका बहुत लॉस हो सकता था। हाँ, वो तो क्योंकि मोस्टली सब बॉन्ड साइन करवा रहे थे विद लो सैलरी। हाँ, तो वो आपसे कई समय तक जॉब करवाते और आपको सैलरी नहीं देते, ग्रोथ नहीं होती, तो वो आपका एक अच्छा डिसीजन था। अच्छा, जब आपने ये ड्रॉप लेके निकाला ना आपने एग्जाम, तो आपने जब ये एग्जाम क्रैक किया, तो आपकी वो जब आपने सोच लिया कि चलो अब जॉब नहीं करते हैं, ड्रॉप लेके पढ़ाई करते हैं, तो कहीं कोई मन में डर था या कुछ कोई चीज़ ऐसी जो आप बताना चाहोगे कि नहीं, मैं इस बात के लिए कॉन्फिडेंस था और ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें? एक्चुअली मैंने वही कहा सर कि एनडीए मेरा क्लियर था, जे डबल में भी अच्छी रैंक थी, तो लाइक इसलिए मैं पहले से ही कॉन्फिडेंट था कि मेरा निकलने ही वाला है, तो कोई डर तो बिल्कुल नहीं था मुझे, बस बिल्कुल डर नहीं था। बिल्कुल सही बात है, एक कॉन्फिडेंस अगर आप, क्योंकि देखो एक सक्सेस, जैसे आपने मान लो एनडीए निकाला हुआ, तो वो एक सक्सेस आपके आगे की कोई भी चीज़ को इजी बना देती है। अच्छा, जब आप एग्जाम दे रहे थे तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या माइंड था? एक्चुअली न्यू पेपर पैटर्न की वजह से थोड़ा नर्वस था, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेन फोकस था कि एलआर में सबसे ज़्यादा टाइम देंगे, क्योंकि वो सबसे स्कोरिंग और ईजी था, फिर मैथ्स करेंगे, बट ये टाइम बाउंड की वजह से ऐसा हुआ नहीं, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, बट कैसे भी फेस कर लिया, जितने अटैम्प्ट करने के सोचे थे उतने किए। 500 का टारगेट लेके चल रहा था। और कितने आए? 478 है। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा स्कोर आया। तो आप अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे? जूनियर्स के लिए तो मैसेज यही रहेगा कि पहले तो अपने आप को समझ लो, सबको अपनी कैपेबिलिटी पता रहती है, तो उस हिसाब से डिसीजंस लो, और सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी होती है कोई भी एंट्रेंस निकालने के लिए। डेली पढ़ना है, भले 1 आवर पढ़ रहे हो, वीक में एक दिन मत पढ़ो, डेली पढ़ो, 1 आवर पढ़ो, और टाइम बहुत कम है, ऐसा मत सोचो 25, 26, 27 जब भी एग्जाम दे रहे हो, कब आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो बिल्कुल सही बोला योगेश आपने, तो आपकी इतनी अच्छी रैंक आई है, तो थैंक यू। अब आप ऐसे ही एनआईटी में जाके परफॉर्म करो, लाइफ में भी आगे बहुत पढ़ो और बहुत ग्रो करो। थैंक यू सर, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।